अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मीठे गुलगुले बनेंगे मौस दाल के। ये 2 कटोरी गेहूं का आटा है, 1.5 कटोरी गुड़ है, इसको बारीक कट करके रख लिए। आप 1 कटोरी भी डाल सकते, ज्यादा मीठा नहीं खाना रहे तो। ये है 3 मौस है, ये है 1 कटोरी दूध है, 2 चम्मच सौंफ है, 5 इलायची है, सोडा है, 2 पिंच सोडा है। ये गुड़ को कटोरे में डाल लेंगे। इसमें गुड़ भीगने डाल देंगे, आधा दूध इसमें डाल के गुड़ को अच्छे से खोल, क्या बोलते इसको, मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के लिए रख देंगे, पिघलने के लिए रख देंगे इसको। अब बेस इसकी आटे की तैयारी कर लेंगे। अभी मिक्सर में मौस को छील के रख लेंगे। मौस कौन से भी चलते, छील के इसमें जार में डाल देंगे। पके हुए होना बल्कि जरूरी नहीं है, आपके पास जो भी है वो मौस डाल ले सकते। 3 मौस है ये, बहुत जने ज्यादा पके हुए होना बल्कि पका लेते, 2-3 दिन पका के उसको बनाते। अब इसमें जो बचे हुआ है 1/2 कटोरी दूध, ये ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्सर में डाल के, अब ये जो गुड़ का है पानी डाल, ये दूध डाल के रखे थे ना, अब ये घुलने टाइम लगता, इसको भी ये मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। ये सारा गुड़ और दूध इसमें डाल देंगे, ये भी जल्दी से पीसे जाता, टाइम की बचत हो जाती, घोलने तक बहुत टाइम लग जाता। वो पीस के बता, मौस और गुड़ का बैटर पीस के तैयार हो गया। अब इसको साइड में रख लेंगे। ये सौंफ को थोड़ा दरदरा पीस लेंगे और इलायची को खोल के डाल देंगे, इसके दाने अलग करके, छिलका अलग दाने अलग, छिलके को इसमें डालना नहीं है, काले इलायची के दाने डाल देंगे, दरदरा पीस लेंगे। ये दरदरा सा पीसे गया, ये वकली में नहीं पीसे जा रहा था, ग्राइंडर में भी पल्स मोड पे 2-3 बार फिर आके पीस ले सकते। अब इसमें आटा डाल देंगे, अब ये पीसे हुआ सौंफ और इलायची डाल देंगे, सोडा डाल देंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है कि गुठलियां नहीं बनते। ये जितना बैटर था उतने में आटा पूरा ये मिल गया। थोड़ा सा मेरे को पानी कम लग रहा, अगर आपके पास बराबर हो जा रहा तो पानी नहीं डालना, मेरे को थोड़ा पानी कम लग रहा, 1-2 चम्मच पानी की जरूरत है। और थोड़ा सा जितना सोडा डाले थे उतना ही नमक ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर अच्छे से मिल गया, अगर आपके पास टाइम है तो 1-10 मिनट रख देना, नहीं है तो आप तुरंत भी तल ले सकते इसको। अब हम तलने की तैयारी कर लेंगे। तेल गरम हो गया, अब ये पानी का हाथ लगा लेके थोड़ा सा एक एक करके डालते जाइए, छोटे छोटे डाल लेना, ये अपने आप बड़े हो जाते। एक ही बार पानी का हाथ लगा लेना, नहीं तो पानी से छींटे उछलते गरम गरम तेल में। माशाल्लाह, अब इनको एक साइड पलटा लेंगे, ये खुद अपने से ऊपर आ गए, पूरे नरम नरम हो गए पूरे गुलगुले। माशाल्लाह, ये इसको 5 से 7 मिनट लगते तलने में। अब ये पलट गए, ये साइड भी 4 मिनट या 5 मिनट इसको तल लेंगे। स्लो फ्लेम पे तलना है, नहीं तो आटा अंदर कच्चा रह जाता। ये गुलगुले अच्छे से तैयार हो गए तल के, कलर भी अच्छा आ गया। अब इसको निकाल लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के फिर से इसमें डालते जाएंगे। मैं आपको पूरे तलने के दिखाती हूँ। फ्लेम को स्लो रखना है, अच्छे तले जाते, अंदर तक पकते ही है।
अब ऐसे पूरा तल लेंगे। मीठे गुलगुले बन के तैयार हो गए, सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम हो गए, अच्छे जालीदार गुलगुले बने हैं। इतनी खुशबू, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही, इसमें खुशबू है सौंफ और इलायची की। नरम बने, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, बिना मौस के भी बनते अच्छे बनते, मौस के भी बनते। देखिए एक बार दोनों में से आप ट्राई करके देखिए। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।